नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। किरेन रिजिजू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई है। 25 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक चलेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और ऐसे में सुबह 11 बजे दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। बड़ा अपडेट, सदन के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और ऐसे में अगर बात की जाए, केंद्र सरकार ने यह बैठक बुलाई है, किरेन रिजिजू ने यह बैठक बुलाई सुबह 11 बजे दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई। 25 से 20 दिसंबर तक चलेंगी दोनों सदनों की कार्यवाही। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार ने बुलाई है और ऐसे में किरेन रिजिजू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगर बात की जाए तो संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है शीतकालीन सत्र। इससे पहले चुनावी नतीजे हमने देखे हैं, झारखंड महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे, उपचुनाव के नतीजे। ऐसे में सत्र शुरू होने से पहले अमूमन परंपरागत तौर पर जो बैठक बुलाई जाती है उसी कड़ी में संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से संसद भवन में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें फ्लोर लीडर जो है दोनों सदनों के, यानी लोकसभा राज्यसभा के लीडर, वो सम्मिलित होंगे और जो एजेंडा होता है उस पर चर्चा करती है सरकार। यानी इस सत्र के दौरान जो महत्वपूर्ण विधेयक सरकार पारित कराना चाहेगी, जिसमें वक्फ विधेयक, इसके अलावा एक देश एक चुनाव से जुड़ा जो विधेयक है जिस पर काफी विवाद की संभावना है। कल ही प्रधानमंत्री जब बयान दे रहे थे बीजेपी दफ्तर में जीत के बाद, और उसके बाद उन्होंने हमला बोला था वक्फ कानून को लेकर और कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति पर जोरदार हमला बोला था। इसके बाद एक नया घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि वक्फ को लेकर बनी जेपीसी की बैठक और उसकी जो अलग अलग रिपोर्ट को लेकर समीक्षा हुई है, उससे एक फाइनल रिपोर्ट पेश की जानी है। और उससे पहले इस बिल पे ड्राफ्ट की आपत्ति थी, जिसके बाद जेपीसी को भेजा गया था। लेकिन अब सत्र शुरू हो रहा है 25 तारीख से सोमवार से, और इससे पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार अपने एजेंडे पर यहाँ पर विपक्ष को अवगत करा सकती है। हालांकि विपक्ष की ओर से जिन मुद्दों को उठाया जाना है उनको लेकर भी वो अपनी बात रखेंगे और कई मुद्दों को लेकर वो कोशिश करेंगे लामबंद विपक्ष के वो सरकार से जवाब मांगे। खासतौर से अडानी मुद्दा जिसको लेकर आक्रामक है विपक्ष नेता, विपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो माना जा रहा है कि एक जोरदार हंगामा इस सत्र के दौरान देखने को मिल सकता है शुरुआत में। लेकिन जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट आए हैं और उसके बाद आक्रामक है सत्ता पक्ष भी और एक भारी जीत हासिल की है महाराष्ट्र में, लिहाजा इसके बाद कहीं ना कहीं सत्र पर इस कार्रवाई का असर देखने को मिल सकता है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।